दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्पेस सेविंग फर्नीचर दिखाने वाले हैं जो कि कम जगह में आपको प्रॉपर स्पेस देते हैं और ये फर्नीचर देखने में भी काफी ज्यादा अलग से लगेंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले रहेगी आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 10, फोल्डिंग पिकनिक टेबल। दोस्तों अगर आप पिकनिक पर जाते हैं तो ट्राई करते हैं कि कितना कम सामान ले जाएं, और ऐसे में किसी टेबल को साथ में ले जाना काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए। तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी पिकनिक टेबल को जो कि खास तौर पर इसी सिचुएशंस के लिए बनाई गई है। इस टेबल की खास बात ये रहती है कि ये फोल्डेड शेप में रहती है जिससे कि साइज में बेहद छोटी रहेगी और आप अपने पिकनिक के सामान में इसे इजिली कैरी कर सकते हैं। जब भी आपको एक टेबल की जरूरत होती है तो बस इसे एक्सपेंड करिए और ये एक अच्छी खासी टेबल बन जाएगी। वहीं इसमें आपको दोनों साइड बेंचेस भी देखने को मिल जाती है जो कि बैठने के लिए काफी कंफर्टेबल रहेंगी, जो कि पिकनिक पार्टी को और भी ज्यादा मजेदार बना देती हैं। तो इस तरीके की छोटी सी पिकनिक टेबल काफी ज्यादा बेहतर रहती है जिसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी पोर्टेबल टेबल के तौर पर कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके की टेबल कैसी लगी है। नंबर 9, स्मार्ट मीबल। दोस्तों अगर आपका घर छोटा है और आपको एक छोटे से बेड और टेबल की जरूरत है तो ये सिस्टम आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों दूर से देखने में तो ये आपको एक नॉर्मल टेबल जैसी लगती है, लेकिन अगर आपको कभी आराम करने का मन हो रहा हो तो बस इसे ओपन करके आप एक छोटा सा बेड भी बना सकते हैं जो कि देखने में काफी अच्छा लगेगा। नॉर्मली तो ये एक टेबल की तरह रहेगी, लेकिन इसका जो बेड वाला हिस्सा होता है वो दीवार में सेट कर दिया जाता है, और जब आप इसे नीचे की तरफ लाते हैं तो ये टेबल अंदर चली जाती है और बेड आपको ऊपर से दिखाई देगा जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन सा लगता है देखने में। तो छोटे घरों के लिए इस तरीके का फर्नीचर काफी इस्तेमाल का रहेगा जो कि जगह बचाता है और आप जब चाहें इसे एक बेड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये फर्नीचर पसंद आया हो तो इसे एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। नंबर 8, स्टोव फिटनेस। दोस्तों हमें अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस को शामिल करना चाहिए, लेकिन ये बात बोलने में जितनी ज्यादा अच्छी लगती है उतनी ही ज्यादा मुश्किल भी होती है, क्योंकि अक्सर एक्सरसाइजेस करने के लिए हमें काफी सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है जो कि घरों में नहीं होते, जिसके लिए हमको समय समय पर जिम जाना पड़ेगा जो कि बहुत लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस फर्नीचर को जो कि एक तरीके का ऐसा फर्नीचर रहेगा जहां पर आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। देखा जाए तो ये एक तरीके के काउच होते हैं जिन्हें कि आप कहीं भी रख सकते हैं अपने घर पे, और दूर से देखने पर ये आपको नॉर्मल सोफा जैसे ही नजर, लेकिन जब आप इसके निचले हिस्से को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे जिम इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं जिससे कि आप इसका इस्तेमाल साइकिलिंग के लिए और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको डंबल्स के सेट भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस तरीके का फर्नीचर काफी ज्यादा कमाल का होता है जो कि काफी कम जगह घेरता है और आपके घर में एक छोटे से पोर्टेबल जिम को तैयार कर देगा। तो अगर आप भी जिम करना पसंद करते हैं तो इस तरीके के फर्नीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर पर ही। नंबर 7, डेस्क बाइक। दोस्तों अगर आप एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की चेयर आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। नॉर्मली ऑफिस में घंटों एक चेयर पर बैठना पड़ता है जो कि काफी ज्यादा थका देने वाला होता है, और अक्सर चेयर में बैठे लोग अपने हाथ पैर का मूवमेंट्स कराते रहते हैं जिनसे कि उनके हाथ पैरों में पेन ना हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहते हैं अपनी ऑफिस चेयर पर बैठे ही बैठे तो इस तरीके के फर्नीचर को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक तरीके की ऐसी चेयर रहेगी जिसमें नीचे पैडलिंग के सिस्टम दे रखे होते हैं, यानी कि अगर आप अपने हाथ पैरों का मूवमेंट कराना चाहते हैं तो इसमें साइकिलिंग कर सकते हैं जो कि काफी बेहतर रहेगा काम करने के दौरान। तो अगर आप भी अपनी ऑफिस चेयर पर बैठे बैठे अक्सर ऊब जाया करते हैं तो इस तरीके की चेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी कमाल की रहेगी। तो इस चेयर की स्पेसिफिक डिजाइन आपको कैसी लगी है ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 6, मशाली शिरली। दोस्तों अगर आप अपने घर में बच्चों के लिए ऐसा छोटा सा डबल बेड चाहते हैं जो कि काफी यूनिक डिजाइन का हो और साथ ही जगह भी कम घेरे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के डबल बेड को। नॉर्मली देखने में तो ये आपको एक छोटा सा बेड जैसा लगता है जिसमें कि दो हिस्से रहते हैं। इसके ऊपरी और निचले दोनों हिस्सों में आपको अलग अलग दो बेड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी कंफर्टेबल रहेंगे। इसका जो निचला हिस्सा होता है उसे आपको ड्रैग करके बाहर निकालना होगा, और ऊपरी हिस्से में जाने के लिए आपको एक छोटी सी अलग से स्टेयर्स दे रखी होंगी जो कि काफी ज्यादा कमाल की लगती है देखने में। तो बच्चों को इस तरीके का बेड काफी ज्यादा पसंद आएगा जिससे कि वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मली आराम करने के लिए। तो इस तरीके का स्पेस सेविंग फर्नीचर आपके बच्चों को यकीनन पसंद आएगा। नंबर 5, टीवी बेड। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें कि रात में सोते वक्त मूवीज वगैरह देखना काफी पसंद होता है, तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर इस तरीके के बेड को बनाया गया है जो कि उन्हें थिएटर लाइक एक्सपीरियंस अवेलेबल कराएगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल देखने में तो ये एक छोटा सा डबल बेड जैसा लगता है जिसे कि आप इस्तेमाल कर पाएंगे अपने आराम करने के लिए। इसके निचले हिस्से में आपको एक प्रॉपर स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आप अपना जरूरी सामान भी रख सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे हिस्से को कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसमें टीवी इनबिल्ट रहती है, और जैसे ही आप रिमोट की बटन दबाएंगे तो फौरन इससे टीवी निकलकर बाहर आ जाएगी। तो ये चीज काफी कमाल की इसलिए हो जाती है कि अगर आप वगैरह एंजॉय करते हैं तो टीवी आपके एकदम सामने रहेगी और आप आराम से टीवी लेटकर एंजॉय कर सकेंगे। वहीं जरूरत ना होने पर आप इसे फिर से अंदर की तरफ रख सकते हैं जो कि आपकी टीवी की सेफ्टी को इंश्योर करता है। वहीं अगर आपके घर में टीवी लगाने के लिए जगह नहीं है तो इस तरीके का बेड आपके लिए काफी कमाल का रहेगा जो कि टीवी के स्पेस को अपने अंदर ही रखता है। तो काफी कमाल का रहता है इस तरीके का स्पेस सेविंग फर्नीचर जो कि आपको यकीनन काफी पसंद आएगा। नंबर 4, वुड ट्रांसफॉर्मर टेबल।
दोस्तों जो डाइनिंग टेबल्स वगैरह होती हैं वो घरों में काफी ज्यादा जगह घेरती हैं और छोटे घरों में डाइनिंग टेबल्स को रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की डाइनिंग टेबल को जो कि खास तौर पर छोटे घरों के लिए ही बनाई गई है। साइज वाइज देखा जाए तो ये लगभग एक छोटे से स्टूल जैसी होती है जो कि साइज में बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। वहीं जब भी आप इसे एक डाइनिंग टेबल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो बस इसके हिस्सों को ओपन करें और लकड़ी के पैड्स को आपस में जोड़ते हुए आप एक बड़ी सी टेबल इससे बना सकते हैं जो कि काफी कमाल की रहेगी और लगभग 8 लोगों को बैठने के लिए काफी ज्यादा सफिशियंट हो जाती है वो जगह। तो दोस्तों इस तरीके की डाइनिंग टेबल काफी कम जगह घेरती है जिससे कि छोटे घरों में इसे बड़ी ही आसानी से सेटअप किया जा सकता है। नंबर 3, विट्रोस्का कैविटी डोर। दोस्तों जो बहुत बड़े बड़े विलास और बंगलोज होते हैं तो वहाँ पर ग्लास के डोर्स को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्लास के डोर्स जब भी ओपन किए जाते हैं तो उसका एक हिस्सा अंदर या बाहर की तरफ आ जाता है जो कि अच्छी खासी जगह तो घेरता ही है और साथ ही साथ दोस्तों आपका ग्लास भी काफी हाई रिस्क पर रहता है, जिससे बचने के लिए आप इस तरीके के सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम रहेगा जिसमें कि ग्लास के एक हिस्से को आप जमीन के अंदर पुश कर सकते हैं और दूसरा हिस्सा अपने आप खुद ब खुद एक शटर की तरह ऊपर की तरफ उठ जाता है जिससे कि ग्लास आपका एकदम सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। तो इस तरीके के डोर्स को खासतौर पर बड़े बड़े और बंगलोज में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर ग्लासेस के डोर वगैरह लगाए जाते हैं। तो अगर आपको ये सिस्टम पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि इस तरीके का डोर आपको कैसा लगा। नंबर 2, सरफ्लिप माइक्रोचिप पेट डोर। दोस्तों अगर आपके घर में पेट्स हैं तो वो अक्सर खेलने के लिए अंदर बाहर आया जाया करते हैं जिसके लिए आप अपने मेन गेट को तो खुला नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए खास तौर पर इस तरीके के पेट डोर को बनाया गया है जो कि काफी ज्यादा सेफ और एडवांस रहता है। इसकी खास बात ये होती है कि एक ग्लास का बना होता है और एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा और इसमें एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं। आपका पेट जैसे ही इसके पास जाता है तो फौरन ये उसे रिकॉग्नाइज करता है और डोर को ओपन कर देता है जिससे कि वो अंदर बाहर जा आ सकेगा। वहीं दोस्तों आप इसमें टाइमर वगैरह भी सेट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से या फिर परमानेंटली लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का डोर पेट लोगों के लिए काफी ज्यादा आरामदायक इसलिए रहेगा जिससे कि वो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो इस तरीके के डोर को आप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपके घर में पेट्स हैं तो। नंबर 1, नैनो लीफ लाइंस। अगर आप अपने लुक को थोड़ा सा एट्रैक्टिव सा लुक देना चाहते हैं तो इस तरीके के लाइटिंग पैनल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी लाइटिंग्स रहती हैं जो कि रॉड के स्टाइल में रहेंगी। इन्हें आप आपस में मैग्नेटिक अटैचमेंट्स के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं और काफी सारी डिजाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। ये एक तरीके की RGB LED लाइट्स होती हैं जिनके कलर को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे और अलग अलग एनिमेटिव पैटर्न्स में आप इन्हें ग्लो करवा सकते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा एट्रैक्टिव सा लगता है। ये गैजेट साइज में तो बेहद छोटा रहेगा लेकिन इसके बावजूद भी आपके रूम को काफी एट्रैक्टिव बना देता है। इसके ऐप में आपको बहुत सारे मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, साथ ही आप म्यूजिक के हिसाब से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि ये देखने में और भी ज्यादा मजेदार सी लगती हैं लाइटिंग्स। तो अगर आपको इस तरीके की लाइटिंग पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर से बताएगा। वहीं इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाई गई किसी भी गैजेट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।